70 साल कांग्रेस लूटा, 10 साल में बच्चा पूछा ये लूट लिया है। पानी भरने के लिए इसको पढ़ाई छुड़वा दी आपने। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा माहेश्वरी आपकी दोस्त और होस्ट स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही डिफरेंट। पिछली वीडियो में आपने देखा था मुंबई का एक स्लम एरिया, और आज मैं उसी तरह का एक और स्लम एरिया आपको दिखाने वाली हूँ। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम जा रहे हैं एक और घर में। ये बाहर आप देखोगे तो इस तरह से कुछ आंगन है, इस साइड पे ये बाथरूम बना हुआ है, और अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये आपने ये पर्दा लगा के उस साइड पे पूरा पार्टीशन किया हुआ है ना, इसमें सामान रखने के लिए। अच्छा, मतलब ये जो इसके बेस पे पूरा सामान रखा हुआ है, ये पूरा इतना देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने ये पार्टीशन कर दिया है और यहाँ पे पर्दा लगा दिया है जिससे कि सारा सामान मतलब ऊपर हो जाए, तो एक तरह से स्टोर रूम का ये काम कर रहा है। और इस तरह से ये किचन, यहाँ पे सब लोग बोल रहे पानी की बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हो रही है अभी हो रही है, पहले नहीं थी। पहले नहीं थी, अभी बहुत ज्यादा, अभी एक साल के ऊपर हो गया। तो यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं करता है कि भाई पानी करते सुनते नहीं है? कहाँ पे कंप्लेन करते? अच्छा, वहाँ पे जाके किया है कंप्लेन लेकिन कोई नहीं सुनता। तो आप ट्विटर पे ट्वीट क्यों नहीं करते हो? किया था ना हम लोग का, वो भी आया था। आप लोगों का कोई वो होगा ना नेता या कोई तो यहाँ का है, तो वो नहीं करता, उसको नहीं बोलते आप? बोलते हैं हम लोग भी, जा जाते हैं मतलब। हाँ एक दिन बोला ना, हाँ पानी का बहुत प्रॉब्लम है। ये आपका घर है? तो भाई अभी हम एक और घर में चल रहे हैं जहाँ पे ये बूढ़े दादाजी हैं। नमस्ते। और ये हैं, अब खाना खा रहे हैं? खा लीजिए, खा लीजिए। आपकी ड्रेस तो, आप कहाँ से हैं? हम हरियाणा से हैं। हाँ, आपकी ड्रेस से लग रहा है कि आप यहाँ से नहीं हैं। तो आप कितने सालों से रह रहे हैं मुंबई में? हमको 24 साल हो गए। 24 साल? 44 इयर्स। ओह, तो फिर तो आपका अभी लैंग्वेज भी नहीं आती होगी। कौन सी? हरियाणवी आती है ना? आती है, बोलते हैं आप हरियाणवी में? अच्छा, तो इस एक ये एक ही, ये इतना ही घर है आपका? हाँ, इतना ही है। अच्छा, तो आप इसमें ही रहते हैं? हाँ, और ये वाला मतलब पानी का रूम, पानी का रूम बना हुआ है? क्यों? नहीं नहीं, उससे चाचा का लोग। हाँ, चाचा का ये हमारे नाम पे है, उसके नाम। अच्छा, कम पे गया। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं घर पे रहती हूँ, काम करती। घर पे रहते हो, पढ़ाई नहीं करते हो? पढ़ाई हो गई 12th। बस 12th तक ही पढ़ा, उसके आगे नहीं? नहीं, उसके आगे। क्यों, मन नहीं किया? नहीं। तो अभी क्या जॉब करते हो? पानी का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, पानी भरती है। पानी भरने के लिए इसको पढ़ाई छुड़वा दी आपने? हाँ, ऐसे बस मन नहीं किया मेरा। अच्छा, तो अभी फिर क्या करते हो आप? घर पे ही? घर पे ही। अच्छा, तो आपकी शादी हो जाएगी अब कुछ ही सालों में, फिर कौन पानी भरेगा? देखेंगे भरेगा। आपकी एज क्या होगी? आपकी एज क्या होगी? इनकी 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर है। ये आपकी मम्मी है? नहीं, दादी है मेरी। ये आपकी दादी है? तो आपके मम्मी पापा जॉब करते हैं? हाँ, जॉब। दोनों जॉब करते हैं? हाँ। तो उन्होंने नहीं बोला आपको कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? बोला था, मेरा मन नहीं किया। क्या ना, उनकी बहन दो पढ़ती है। मेरी दोनों बहन पढ़ती है, छोटे वाला भाई पढ़ता है। अच्छा, बस आपने ही पढ़ाई नहीं की, बाकी सब कर रहे हैं। अच्छा, आपको दादा दादी से ज्यादा प्यार है इसलिए? तो आपके यहाँ पे मतलब आप कितना पानी भरते हो? कितना पानी भर के मतलब स्टोरेज रखते हो? क्या पानी भरते, पानी तो मिलता ही नहीं है, पानी नहीं मिलता इधर। तो भाई कुछ इस तरह से यहाँ के लोगों जो हैं उन्होंने कपड़े इस तरह से बाहर ही सुखाए हुए हैं। ऊपर के जो छप्पर आपको दिख रहे हैं बिल्कुल एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, और जो ये
घर है वो कुछ इस तरह से झोपड़ियाँ और इस तरह से लग रही है, और इसके बिल्कुल पास से ही नाला जाता है। और अगर पीछे की तरफ देखोगे तो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और उसके नीचे बने हुए हैं ये स्लम्स, बिल्कुल गटर के पास में यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और किस प्रकार से इनका जीवन है वो भी हम जान के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ये घर दिखाती हूँ, इस साइड आप देखोगे तो ये इन्होंने आग लगाई हुई है। आग किसके लिए है? पूजा करेंगे ना, पूजा करेंगे अभी। हाँ, पूजा करते हैं आप? कुल देवता इस तरह से इन्होंने आग जलाई हुई है। ये चेयर नहीं जल जाएगी इसके पास? तो भाई ये यहाँ पे इन्होंने पूरे बिस्लेरी के कैन आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए लोग पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है स्टोर करके रखते हैं। इस तरफ पे भी आपको पानी सबसे ज़्यादा दिखेगा, बड़े बड़े ये रखे हुए हैं, और यहाँ पे ये पूजा करने वाले हैं। आज कोई इवेंट है मतलब? नहीं। अच्छा, डेली करते हैं आप? तो भाई कुछ इस प्रकार से हैं यहाँ के स्लम एरियाज़। आपको सारी जो झोपड़पट्टियाँ दिखेगी वो पूरी तरह से लकड़ी या फिर एल्युमिनियम के शील्ड से बनी हुई है, किसी तरह की कोई ईंटों का यूज़ यहाँ पे नहीं हुआ है। कुछ कुछ घरों में लकड़ियाँ हैं। अब इस घर का अगर हम देखें तो उन्होंने बस एक चूल्हा रखा हुआ है और गैस सिलेंडर रखा, मतलब एक किचन के जितनी स्पेस में ये लोग रह रहे हैं। और इधर से पूरा इनके घर के पास में ही नाले वाले बह रहे हैं और नालों के पास ये लोग रहते हैं। तो इस स्लम में जो सबसे बड़ा और शानदार घर है, अभी मैं बिल्कुल उसके सामने आ गई हूँ, और ये समझ लो कि इसको यहाँ के लोग बंगले की तरह बोलते हैं। ये एक प्रॉपर बना हुआ घर है जिसमें वॉशरूम और सारी फैसिलिटीज़ हैं। आगे की तरफ आपको टाइल्स दिख रही होगी और ऊपर छत भी है जहाँ पे कपड़े आपको लटके हुए दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल ये यहाँ का आप सोच लो सबसे अच्छा घर है जो कुछ इस तरह से दिखता है। तो बाकी घर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस साइड पर जो है यहाँ पर पूरे कच्चे कच्चे घर है, इधर छोटी छोटी सी गलियां जा रही है जिसमें लोग रहते हैं। ये देखो भाई यहाँ की गलियां जिसमें लोग रह रहे हैं। नाला है और बिल्कुल आप बोल सकते हो मुंबई के वन ऑफ द फेमस एरियाज़ में से एक है, जिस एरिया में मैं भी खड़ी हूँ, और यहाँ पे ये नाला बना हुआ है। इसके दोनों साइड पे स्लम्स है। अभी अभी हमने वो वाली स्लम देखी है, अब हम इस तरफ जाने वाले हैं, और दोनों ही साइड पे आपको जो जनजीवन मिलेगा वो कुछ बहुत ही स्ट्रगल वाला मिलेगा। इस नाले को अगर आप देखोगे तो इसमें पूरी सब तरह की गंदगी, आपको बेड भी आपको दिख रहा होगा इतनी दूर से, कि हर एक चीज़ इसमें गिरा दी गई, और किसी तरह की कोई साफ़ सफाई या कुछ भी ऐसा ऐसा लग रहा है सालों से नहीं किया गया है। तो भाई ये वो गलियां हैं जिनसे होते हुए हम स्लम पूरा देखने वाले हैं। यहाँ पे अंदर घुसते ही आपको दिखाई देगी ये दुकान, यहाँ पे ये छोटे छोटे से इस प्रकार से घर है। यहाँ देखो एक इतना सा घर है, यहीं पे शटल टाइप का लगा हुआ है और लोग सो रहे हैं। इतनी सी एक ये समझ लो दुकान के स्पेस में पूरी पूरी फैमिलीज रहती है जो 10 से 15 लोगों की होती है। अंधेरा इतना ज़्यादा है, पूरा अंधेरा है यहाँ पे, पूरा अंधेरे रास्तों से आपको जाना पड़ेगा। ये रहते हैं आप? मेरा खुद का घर है। अच्छा, ये आपका घर है? अच्छा, तो ये आप बाहर बेचते हैं क्या, इतना बड़ा जो बना रहे हैं? ना, ये इतना थोड़ा ही बनाते हैं, कैसा है ये बनाते हैं। अच्छा, बनाते सिर्फ बड़े बड़े कंटेनर में ही है, अपने लिए ही बना रहे हैं आप? दुकान के लिए। अच्छा, सेजवान चटनी? हाँ, ना ये सूप है, ये सूप वेज सूप है। अच्छा, इसका शॉप मतलब दुकान लगाते हैं? हाँ, वहाँ नहीं बना सकते, वहाँ क्राउड ज़्यादा है। हाँ हाँ हाँ, तो कहाँ है आपकी दुकान? भारत नगर। भारत नगर में? अच्छा, तो यहाँ से बना के वहाँ लेके जाते हैं, शाम को लगाते हैं 4 बजे के बाद। अच्छा, तो ये इतना ही घर है या और भी है? नहीं, बस यही। तो इसी में रहते हैं और इसी में सोते हैं? अच्छा, तो भाई ये यहाँ पे घर है, आपको ऊपर जो दिख रहा है ये इतना फैन का दिख रहा है,
की शेड पत्थर का है। तो भाई यहाँ पे ऐसे भी घर हैं जो, अब देखो ये इतनी सी गली जा रही है यहाँ से वो घर, अब सोचो उसमें कितना अंधेरा होगा। वहाँ के लोग जो अंदर रहते होंगे या फिर जो बाहर नहीं जाते होंगे, उनको कोई विटामिन डी, कोई विटामिन सी कुछ भी नहीं मिलता है। बस इनकी ज़िंदगी यही इन्हीं छोटे छोटे से घरों में शुरू होती है और छोटे छोटे से घरों में ख़त्म हो जाती है। दिन भर लाइट के उसमें रहते हैं ये लोग, किसी तरह का कोई भी रिसोर्स नहीं है यहाँ पर जो आ रहा हो नेचुरल। वह इन गलियों से, जो अंधेरी गलियां थी उनसे निकलते हुए फाइनली वापस बाहर आ गए। बाहर आके आपको जो दिखाई देता है वो है फिर से वही नाला। तो यहाँ पे ये इस तरह से बाहर ही सारा सब्जी उब्जी छील रहे हैं, और इस साइड पे जब हम चल रहे हैं तो ये इस तरह से पूरी जो बस्ती है ये आपको दिख रहे होंगे, सारे कच्चे कच्चे घर हैं। कच्चे भी क्या बोलूँ, मतलब शेड लगे हुए हैं एल्यूमिनियम के और उसके ऊपर लगाया हुआ है कवर। और इस साइड पे आपको ये एक मंदिर दिखाई देगा। इस पूरी जो बोल सकते हो इलाके है, इसमें वो लोग रहते हैं जिनसे एक्चुअल मुंबई चलता है। 70 साल कांग्रेस लूटा, 10 साल में बच्चा पूछा ये लूट लिया है। गोरे गांव रहता है तो वहाँ पर 5-6 हजार रुपया भाड़ा है रूम का, यहाँ पे 3.5 हजार है। हाँ। और पगार 12 हजार है। अगर 4-5 हजार भाड़ा देंगे 2-3 हजार खर्चा खुरा के आएगा तो बच्चे घर क्या कुछ कर पाएंगे हम लोग। तो मुंबई वो शहर है जो कभी नहीं रुकता है, और इसको कभी ना रुकने के लिए जो लोग पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं वो लोग इस तरह से इस कंडीशन में रह रहे हैं। ना इनके पास में पानी है, ना इनके पास में नेटवर्क है, ना इनकी कोई सुनवाई करता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है बट ठीक है, फिर भी ये लोग रह रहे हैं। और चाहे या ना चाहे मुंबई जो है, मुंबई का हर एक घर जो है वो इनसे चलता है, क्योंकि हर किसी के घर में जो मेड आती है वो यहीं से आती है, दुकानों पे जो सेल्समैन है वो यहीं से आते हैं, उसके अलावा भी मतलब जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वॉचमैन ले लो या जो भी काम करने वाले, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग होते हैं, वो मोस्टली लोग इन्हीं जगहों से आते हैं। तो इन जगहों का ध्यान रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। खैर आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप यू लाइक इट। सो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही एडवेंचर से भरी और बिल्कुल यूनिक वीडियोज़ चैनल पर मिलती रहेगी।